हे दोस्तों, मेरा नाम अजय एंड परफेक्शन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको व्हाट्सएप के कुछ बहुत ही बेहतरीन तीन तरीके बताने वाला हूं जो कि सबसे लेटेस्ट आए हैं। सो टाइम में वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे जो पहला ट्रिक है, आप देखे होंगे अधिकतर टाइम आपको किसी को भी फॉर द टाइमिंग एक फोटो या वीडियो भेजने के लिए आप किसी अननोन पर्सन का नंबर सेव करना पड़ता होगा, तभी आप भेज पाते होंगे। लेकिन अभी का जो व्हाट्सएप का अपडेट वर्जन आया है, जो आप रिसेंटली अपडेट करेंगे तो आप वहाँ देखेंगे आपको एक QR कोड दिखेगा। ये देखिए, आपको राइट साइड में टॉप में QR कोड दिख रहा है। जस्ट आपको क्या करना है, QR कोड पर क्लिक करना है। QR कोड पर क्लिक करने के बाद और जिसके PC में आप जिसके फ़ोन में आपको भेजना है, जस्ट उसके सेटिंग्स में जाके उसके QR कोड में जाना है। एंड कुछ नहीं, जस्ट आपको यहाँ पे स्कैन कोड पे क्लिक करना है और जस्ट सिंपली स्कैन करने से ही आपको सारा मैसेज आ जाएगा। उनको आराम से कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हैं, जो भी आपको लगेगा आप आराम से भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला ट्रिक जो कि बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, सो दोस्तों, आज का जो हमारा दूसरा व्हाट्सएप ट्रिक है, आप देखे होंगे कई बार आप जब भी स्टेटस लगाते होंगे, स्टेटस लगाने के बाद बहुत जिनका रिक्वेस्ट आता होगा कि प्लीज़ सेंड दिस वीडियो, सेंड करना भाई। तो आपको क्या करना है, आपको वापस से जाके अपने गैलरी में वो वीडियो खोजना पड़ता होगा, फिर आपको सेंड करना पड़ता होगा, इससे आपका टाइम भी बहुत लगता होगा। तो आपको कुछ करना नहीं, आपको सिंपली क्या करना है, आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। जिसने आपका स्टेटस देखा है, जस्ट उस पर कुछ शेयर ऑप्शन आप शेयर पर क्लिक करना है। आपको जिसको भेजना है आप वहाँ पर नॉर्मली शेयर पर क्लिक करके आप आराम से सेंड पर क्लिक कर सकते हैं, तो आराम से ये वीडियो चला जाएगा। सो आज का जो हमारा तीसरा व्हाट्सएप ट्रिक है वो क्या है, आप देखे होंगे बहुत सारे स्टेटस होता है जो भी काफ़ी बड़ा चौड़ा लिखा रहता है कुछ भी। तो आपको अगर इनकेस मान लीजिए इसको नोट डाउन करना है, या आपको फ़ोन में से आपको नोट पैड में लिखना है या कहीं लिखना है, तो आप कब तक लिए वन फिंगर टैप किए रखेंगे। तो उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया है जो लेटेस्ट वर्जन अपडेट है। आपको क्या करना है, आपको कुछ करना नहीं, आपको जस्ट अपने 3 फिंगर से क्लिक करना है और स्क्रीन पर जस्ट टैप करना है, टैप करके छोड़ देना है। ये देखिए, आप इसको काफ़ी देर तक ऐसे अपने फ़ोन में छोड़ सकते हैं और फ़ोन में कहीं भी आपको कुछ नोट डाउन करना है या कहीं भी पढ़ना है तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। सो ये था दोस्तों आज का हमारा 3 व्हाट्सएप लेटेस्ट ट्रिक। आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी कमेंट या सुझाव हो तो मुझे कमेंट करें एंड मुझे हेल्प करें, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। होप सो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।